लाइट का स्थिति यही है कि 185 को हमने लाइट लगवाए थे, उसमें करीब करीब 75% लाइट खराब हो चुकी है। विकास तो बहुत कम हुआ है। विनय जी पर जितना हमने खरा उतरने के लिए चाह रहे थे उतना नहीं खरा उतर पाए, चाहे जिस कारण से हो, यहाँ का प्राधिकारी बार बार यहाँ बदलने के कारण हमारी विकास उतना नहीं हुआ। हालांकि विनय जी का एक चीज़ है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर जिद्दी टाइप के आदमी हैं, इसके चलते ही जो है वहाँ नहीं मैं विकास हो पाया है आज तक। और कोई आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज मैं वार्ड नंबर 3 की वार्ड पार्षद विनेता देवी के पास पहुँचा हूँ। हमारा जो वार्ड पार्षदों से मिलने का और उनके विकास कार्यों को जानने का सिलसिला चल रहा है, उसमें आज मैं बातचीत करूंगा वार्ड पार्षद विनीता देवी से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड पार्षद विनीता देवी के साथ ही उनके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं विश्वनाथ यादव जी, वो हमारे साथ हैं, और विनीता देवी जी के पति पुटून प्रजापति जी, वो भी आज इस बातचीत में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। स्वागत है। ये कि अब पहले तो चेयरमैन ही महिला थी, अब कार्यपालक भी महिला आ गई हैं और कई वार्ड पार्षद आप लोग महिला हैं, तो अब आप लोग अपनी बात मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से रख पाइएगा, आप कार्यपालक पदाधिकारी से भी। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको उनके आने के बाद से? उनके आने के बाद से उम्मीद यही तो लग रही है कि अभी नई नई आई हैं तो हम लोग के सही लग रहा है कि वो काम कर सकेगी। महिला है तो महिला को बात को ज़्यादा ना समझेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, तो बैठक होता नहीं ना, महीने महीने होता तो हम लोग भी बात रखते, तब सही से ना कार्य आगे प्रगति पर होता। मैडम, आपके वार्ड में जो आवास योजना को लेकर क्या काम हुआ है, उसमें अब तक कितना हो पाया है, या फिर आप लोगों के वार्ड में और कितने लोगों का अभी काम आवास योजना में बचा हुआ है? आवास योजना में हमारे वार्ड में 28 गो मिला था, उसमें 18 गो का मिल चुका है और 10 बाकी है। सैनिटाइजेशन का काम चला, जैसा कि बताया नगर परिषद कार्यालय से मालूम हुआ, उसके बाद मच्छर को भगाने के लिए जो फ्यूमिंग फॉगिंग का काम होता है वो हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपके वार्ड में कितना हुआ? हमारे वार्ड में फॉगिंग सैनिटाइजर हुआ है हल्का फुल्का, फॉगिंग का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। वो भी सैनिटाइजर हुआ है, मशीन ख़राब था, मशीन 2 नंबर दे दिए थे, इसलिए सही से सैनिटाइजर हो नहीं पाया। ये बताइए कि आपके यहाँ जो लाइट लगा, तो कितना लाइट अभी आपके यहाँ लगा हुआ है, या कितना आपके कार्यकाल में लाइट लगा है और उसकी क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में लाइट का स्थिति यही है कि 185 को हमने लाइट लगवाए थे, उसमें करीब करीब 75% लाइट ख़राब हो चुकी है। उसके मरम्मत के लिए हमने फ़ोन करते हैं तो 2 लेबर बहाली है, वो भी उनको भेजा नहीं करते हैं उन लोग। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। विश्वनाथ यादव जी, आपके वार्ड में विकास कार्य कितना हुआ है, क्या अब तक हो पाया है? 4 साल में विकास तो बहुत कम हुआ है। विनय जी पर जितना हमने खरा उतरने के लिए चाह रहे थे उतना नहीं खरा उतर पाए, चाहे जिस कारण से हो, यहाँ का प्राधिकारी बार बार यहाँ बदलने के कारण हमारी विकास उतना नहीं हुआ। हालांकि विनय जी का एक चीज़ है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर जिद्दी टाइप के आदमी हैं, इसके चलते ही जो है वहाँ नहीं मैं विकास हो पाया है आज तक। और कोई कारण नहीं है, मैं नहीं कारण है, सच्चाई तो वही है। जैसे मैं देख लीजिए, अभी मान लिया 4 साल पूरा होने वाले हैं, ठीक है जी, और 4 साल पुराने मात्र 2 हमारा वार्ड में अभी काम हुआ नगर पंचायत से, नगर पंचायत के माध्यम से जी। जैसे एक पावर हाउस में एक रोड बनी और दूसरा में यहाँ समुदाय भवन चक पर उसका मरम्मत हमने रिपेयरिंग करवाया, ये 2 काम हुआ, और बाकी नल जल का अभी जो है सभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप जैसे इतने एक्टिव आदमी के वार्ड में ये हाल है, तो जो कमज़ोर हैं वहाँ क्या हो रहा होगा? अरे भाई, एक्टिव तो है, ऐसा कोई बात नहीं कि एक्टिव है, मगर विनय जी का ही जो है से इसमें क्या कहा जाए, वो मेहनत तो करते हैं, मगर मेहनत करने के साथ साथ वो बार बार जो है पदाधिकारी बदल जाते हैं, क्या कहा जाए। मगर सच्चाई वही है कि थोड़ा सा रहते हैं वो एक्टिव, अगर रहते हैं मगर फिर भी जिद्दी टाइप के आदमी हैं, यही में गबड़ा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इतने कार्यपालक बदले उसका भी प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अच्छा, बिल्कुल। जैसे मान लिया आते हैं कार्यपालक और आने के बाद उनका एक चाबी बनता है,
और चाबी बनने के बाद होता क्या ना कि एक महीना डेढ़ महीना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर वगैरह जो होता है जो बैंक से आपको निकलता है पैसा वगैरह, तो जब तक उनको क्लियर नहीं होगा तब तक वो नहीं अथी कर सकते हैं, और उसके कारण है कि 2-3 महीने लट जाते हैं। और फिर लोग दोनों में क्या साठ गांठ होती है, इसके चलते लोग से पटने देता है, अब पटने के दौरान गड़बड़ा जाता है, इसी के कारण है क्या जो है हम लोग के विकास नहीं हो पा रहा है। नल जल योजना का क्या ठीक है, वार्ड नंबर 3 का नल जल का योजना का टेंडर डाला गया, 65 लाख की टेंडर थी, वो राम जतन यादव के नाम से टेंडर है डाला हुआ है ठीक है, मगर वो पटना में कौन सा डिफॉल्ट हुआ इसके कारण से अभी तक उनका अग्रीमेंट नहीं, मतलब काम नहीं हुआ, नहीं काम नहीं हुआ नल जल का आपके यहाँ कोई काम नहीं, कोई नल जल का भी कोई काम नहीं हुआ। आवास योजना में आपके यहाँ क्या, आवास योजना में 28 गो हमारी था उसमें 18 गो का पेमेंट करा चुके हम ठीक है, इतना में करा चुके हैं, 18 गो का पेमेंट हो गया है मैंने दूसरी किस्त, बाकी 10 गो का रह गया है। ये बताइए कि अभी जो 10-10 लाख की योजना से काम होना है, इसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी भेदभाव हो रहा है, कहीं कुछ किसी लोगों पर ज़्यादा मेहरबानी की जा रही है, किसी पे कम मेहरबानी हो रही है, तो आप पे कितनी मेहरबानी हुई ना? वो तो भाई ठीक है, वो तो टेक्निकल कहीं कहीं ना दिक्कत हो जाती है, तो इसके चलते हो सकता है। आप तो उनके चहेते में से हैं। बिल्कुल, चहेते क्या कहा जाए, तो कहें कि हम उन पर विश्वास किए थे, हम उन पर खरा उतरे थे कि नहीं, हमारे जो है एक बैकवर्ड समाज के हम नाते उनको हम लाए थे कि हमको ज़्यादा मदद होगा, मगर भाई अब कहाँ फंस गए, किस नैया में उनके पास चला गया सब पता नहीं है। इस बार क्या करवा रहे हैं, ये जो अभी टेंडर होना है उसमें आप क्या करवा रहे हैं? टेंडर अभी आपको होना था, वो अभी कुछ प्रक्रिया गड़बड़ हो गया था, नगर पंचायत और नगर परिषद के चलते टेंडर में कुछ खराबी हुई है, जो कि कल परसों निकला था, जो आपका इधर इस सप्ताह में टेंडर डलाना था, मगर नगर परिषद और नगर परिषद के चलते थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जो कि पटना में विनय जी गए थे और जाने के बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसके चलते रुक गया है अभी, अब लगता है कि 1-2 दिन। तो आपने उसमें क्या, कौन सी सड़क लिया है, कौन सा नाली लिया? वो हमारा लिए है, हम अपने बेली चक में लिए हैं, वार्ड नंबर 3 में बेली चक में पेवर ब्लॉक एवं नाली का है योजना दिए हैं। महेंद्र मास्टर साहब हैं, महेंद्र दास, हाँ महेंद्र दास के घर से है, विनेश्वर दास घर होते हुए से करके है, ऐसे सर है, एक योजना है 10 लाख की योजना है हमारे वार्ड में, एक योजना दी है, और फिर बोले कि भाई एक वार्ड में फिर आपको दे रहे हैं योजना, इसलिए कह के जो दिए थे सो नहीं दे पाए, तो इनके हम दे रहे हैं, अब देखे देते हैं। चलिए, गुजरा हुआ समय तो लौटेगा नहीं जी जी, अब 1 साल से भी कम में आपको जनता के सारे वादे किए हुए को पूरा करना है, अब आप अभी से क्या करेंगे? अभी से क्या करना है, अब तो भाई उनके प्रति अब हम लोग तो ज़्यादा विश्वास है, हम लोग चाह रहे हैं कि कार्यपालक अभी आई है जो कुमारी हमानी अच्छी हैं, हम लोग देख रहे हैं उनकी एक्टिविटी से लग रहा है कि हम लोग का काम अब हो जाएगा, 1 साल में 4 साल की जो है से अंत भला तो सब भला, और कार्यपालक बदलते हैं यही मेन कारण है कि वहाँ विकास नहीं हो रहा। चलिए धन्यवाद, चलिए आपको भी धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा है कि मेरे घर पर आए आप समय दिए आप सर, बहुत अच्छी बात है कि आप समय दिए हम लोग के पास।